हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके टाइम जीके टी। आज आम यही वीडियो रे 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चन आउ 10 कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मनसून इन इंडिया। ऑप्शन ए फ्रॉम मार्च टू मिड जून, बी फ्रॉम मिड जून टू सेप्टेम्बर, सी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम डिसेंबर टू एंड ऑफ फेब्रुआरी। बा निम्नलिखित ड्यूरेशन मानक मध्यरु केउ समय रे नॉर्थ ईस्ट मनसून भारत रे प्रभावित होइथाय। नॉर्थ ईस्ट मनसून जहार कि अन्य नाम आमे बोली कहिथौ कोन विंटर मनसून बोली कहिथौ। विंटर मनसूनटा भारत रे केबे प्रभावित होइथाय, यह राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर सी। जनरली ये अक्टोबर रु डिसेंबर मास पर्यंत प्रभावित होता है, किंतु एठा तो अक्टोबर रु डिसेंबर पर्यंत नाही। यार राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर सी, मंथ ऑफ अक्टोबर एंड नवंबर हे यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 72, द कैप्टन ऑफ ए शिप रिकॉर्डेड द टाइम एज 7 आवर जीएमटी। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। When the sun was exactly overhead, where was the ship stationed? Option A, India, B, Pakistan, C, Myanmar, and option D, Bangladesh. से आमको कही ची, गोटे ship रो captain कौन कला time देखिला, जे जेते बेले GMT बा Greenwich Mean Time रे 7 घंटा हुई ची, सेते बेले सूर्य कौन करी ची, पूरा पूरी सीधा मुंडा ऊपर हो ची। माने नून हो गोटे प्रकार 12 बजे एक्जाक्टली ओवर हेड। व्वेर व्वाज द सीप स्टेसन, तो से ही समय सीपटा के रही थी। माने ये आमको कौन करवाक पड़ो जिते बेले GMT 7 बजे थी के 12 बजे क्यों देश में 12 बजे आमको खोजाक पड़ो। तो आम जाचु इंडिया सहित GMT GMT टाइम डिफरेन्स के 5 आवर 30 मिनिट, तो इंडिया हेबनी। म्यांमार सी म्यांमार सहित तो कौन हुए 6 घंटा 30 मिनिट डिफरेन्स थाए GMT रो, तो म्यांमार भी हेबनी। डी देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश रे केते 6 घंटार डिफरेन्स थाए। माने एटि 7 बजे माने बांग्लादेश रे 1 बजे थोड़ा सेठी भी हेबनी। तो बाकी रहला पाकिस्तान, पाकिस्तान सहित तो GMT डिफरेन्स हो 5 घंटा ओनली। तो जिते बेले GMT बजि थो 7, आमर पाकिस्तान बजि थो 12, माने ठीक ओवरहेड एक्जाक्टली ओवरहेड द सन, से यार राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर 3 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ए होमबोल्ट करंट, बी फाकलैंड करंट, सी बेंजुलिया करंट, एंड ऑप्शन डी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये आमको देखिए निम्नलिखित ओशन करेन्ट मानक मध्यरु केउटी अन्यतम, केउ दृष्टिरु समानकर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दृष्टिरु केउ करेन्टी एमानक चारि भितरु भिन्न बोली आमको क्वेश्चन करिछि। तो नहले होमबोल्ट करेन्ट, फाकलैंड करेन्ट, बेंजुलिया करेन्ट आउ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेन्ट समस्ते होउछन्ती गोटे गोटे कोल्ड ओशन करेन्ट, समस्त जगह समान। बाकी डायरेक्शन दृष्टि होमबोल्ट, फाकलैंड आउ बेंजुलिया एमाने होउछन्ती नॉर्थवार्ड। बाकी आमर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेन्ट होउछी केमिति गुरे ये आमर काउंटर क्लॉक वाइज यार डायरेक्शनटा, से ऑप्शन नंबर डी हेबो यार राइट आंसर। ये होउछी डिफरेंस डायरेक्शन दृष्टि। देन क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग जो क्यों प्रकार लैंडफॉर्म सृष्टि होता है। ए यंग ओल्ड माउंटेन, बी हर्स्ट माउंटेन, सी अपवर्ड फोल्डिंग, एंड ऑप्शन डी डाउनवर्ड फोल्डिंग। तो आमर फॉल्टिंग जो होता है आमर ब्लॉक माउंटेन बा जहार अन्य नाम हो हर्स्ट माउंटेन बोली मध्ये कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी हेबो यार राइट आंसर, हर्स्ट माउंटेन सृष्टि होता है फॉल्टिंग जो। देन क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोटिस इन द डेवलपिंग कंट्री। ऑप्शन ए टेक्निकल,
बी फ्रिक्शनल, सी सीजनल एंड ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल। तो निम्नलिखित बेकारी मानक मध्यरु केउ बेकारी डेवलपिंग कंट्री मानक ठारे बेसी मात्रा रे देखा जाय थाय, यहार राइट आंसर हेबो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन? इट इज अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब, मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो डेवलपिंग कंट्री मानकर एही सिचुएशन बेसी मात्रा रे घटी थाय, गोटे जॉब छाड़ी आउ गोटे जॉब को जो जानती जो मझे टाइम गैप टी रहा बेकारी हिसाब से रे सेटा होची फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही परी अनएम्प्लॉयमेंट कौन आम डेवलपिंग कंट्री मानकर बेसी परिमाण रे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम मर्चेंट एंड ट्रेडर एट पोर्ट्स और सेलिंग पॉइंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन? ऑप्शन ए बाली, बी हिरण्य, सी तुलामेय एंड ऑप्शन डी भाग। तो जनरली हर्षवर्धन समय रे तीन प्रकार टैक्स कलेक्शन करा जाउतला, से गुड़ी कहला बाघ ई सॉरी भाग, हिरण्य आउ बाली। बाली कलेक्शन करा जाउतला टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, आउ भागटा कलेक्शन करा जाउतला आमर रिलीजन टैक्स, एंड हिरण्य कलेक्शन करा जाउतला इरा कैश फॉर्म रे कैश दउतले पूरा पूरी आमर ट्रेडर माने आउ मर्चेंट माने, आउ एमानंकर थारु ये कलेक्शन करथले कोन पोर्ट जते बेले आमर एक्सपोर्ट की इंपोर्ट होतबो सेही समय रे किंबा सेलिंग पॉइंट जते बेले विक्रय करथबे। तो यह राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हिरण्य। हिरण्य टैक्स कलेक्शन करा जाउतला आमर मर्चेंट आउ ट्रेडर मानक पाखरु। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर? ऑप्शन ए टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, बी जहांगीरी महल, सी इतिमात उत दौला स्टम एंड ऑप्शन डी इम्तियाज महल। तो एमानक मध्यरु केउ मॉन्यूमेंटटा आमर जहांगीर को समय रे तयारी करा जायतिला बोली हमकु क्वेश्चन करिछि। तो टॉम्ब ऑफ सैगती सलीम चिश्ती होचे ये हो तो आमर अकबर तयारी करथिले, तो या अकबर को समय रे जहांगीर महल भी तयारी करथिले अकबर, ये भी अकबर समय रे हितला। आउ एई जो रहला इतिमात उद दाउलास टॉम, ये होचि आमर नूरजहांकर बापांकर नाम, एही नूरजहांकर बापांकर समाधि पीठटी नूरजहां तयारी करथिले। नूरजहां किए जे होचंती जहांगीरंकर पत्नी बा राणी, सेथिपई जहांगीरंक प्रियरी होइतला एही ऑप्शन नंबर सी, एही टॉम टी हितला जहांगीरंकर प्रियरी। देन क्वेश्चन नंबर 78, हु कैन अटेंड द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विदाउट वोटिंग राइट व्हाइल नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस? ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी कंपेटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एमानको मध्यरु किए हम क्वेश्चन को एमानको मध्यरु किए आमर लोकसभा रे आउ राज्यसभा रे तांकर वोटिंग राइट न थाई मध्य से मीटिंग अटेंड करि थांती बा सभ्य न होई मध्य से मीटिंग को अटेंड करि परंती, से होचंती आमर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल राज्यसभा किंबा लोकसभा सभ्य न होइतिले मध्य से मीटिंग रे बसी पारंती। देन क्वेश्चन नंबर 79, हु डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्शन इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी? ऑप्शन ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड ऑप्शन डी रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न। एटा तो पूरापूरी जना पड़ुछी स्टेट इलेक्शन कमिशन डिक्लेयर करती ना कि स्टेट आमर चीफ इलेक्शन कमिशन डिक्लेयर करती ना कि आमर कौन चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द स्टेट मध्ये डिक्लेयर करती ना, जीए कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी रिटर्निंग ऑफिसर से ही डिक्लेयर करती कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी हेबो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच ऑर्गन
of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights? Option A, Security Council; B, General Council; C, Trusteeship Council; and option D, International Court of Justice. तो ये कौन कह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किए एडॉप्ट करथिला यहा होची ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली ऑप्शन नंबर बी हेबो हर राइट आंसर। एबे हमें 10 कंप्यूटर जीके डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 41 हला आईसीटी स्टैंड फॉर डेक्स। आईसीटी रो फुल फॉर्म कोन? आईसीटी रो फुल फॉर्म होची इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हेबो हर राइट आंसर। ICT means Information and Communication Technology. Then question number 42. The use of computer education started in the year DEX. बा क्यों वर्ष computer education साधारणतः भावरे आरंभ हुई थी? ऑप्शन गुड़ी को देखिए 1970, 1980, 1990 एवं 2000 क्यों मसीहरु? तो ये 80 दशक रु 1980 रु स्टार्ट करा हितला कंप्यूटर एजुकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 43। 1 KB इक्वल टू डेक्स बाइट। 1 KB समान केते बाइट बोली हम क्वेश्चन पचारी छी। ऑप्शन गुडी को देछि 64, 128, 1024 और 2048। तो हा राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। देन क्वेश्चन नंबर 44। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। एमानन को मध्यरु जो देछि ऑप्शन गुड़ी को राम, कीबोर्ड, एमएस पॉइंट एंड मॉनिटर। एमानन को मध्यरु केउटा गोटिए कंप्यूटर हार्डवेयर नहे। हार्डवेयर आ सॉफ्टवेयर भीतर डिफरेंस कोन? हार्डवेयर को हमें छुई पारि थाउ माने कीबोर्ड, मॉनिटर, राम ए सब जको हम को छुई पारिबा। बाकी एमएस पॉइंट होची गुटे कोन एप्लीकेशन। तो यहा गुटे होची कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहा राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी केउटा नॉट गुटे हार्डवेयर बोली कही। एमएस पेंट गोटे हार्डवेयर नुहे। देन क्वेश्चन नंबर 45। डेक्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर बा जी व्यवहार करुच्ची एवं कंप्यूटर मध्य किए गोटे इंटरफेस बोली कही। ऑप्शन ए देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एमएस एक्सेल, सी इम्प्रेस एंड ऑप्शन डी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो यार राइट आंसर हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे आमर यूजर इंटरफेस जोटा कि यूजर आउ कंप्यूटर मध्य इंटरफेस या। देन क्वेश्चन नंबर 46। ए डिवाइस व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड डेक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस कि सेंट्रलाइज डिवाइस ना ओपन सोर्स डिवाइस ना वायरलेस डिवाइस। गोटे डिवाइस जोटा कि कौन कनेक्ट करी थाए नेटवर्क को विदाउट केबल बिना केबल जे कनेक्ट करी थाए ताकू कहा जाए कौन आमर वायरलेस केबल कहा जाए। ऑप्शन नंबर डी हेबो आर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज इंटरनेट। ऑप्शन गुड़िक देछि एरे देछि ए सिंगल नेटवर्क, बी देछि ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी देछि इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी देछि इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट रो डेफिनेशन तो बहुत टे अछि बाकी मते एप्रोप्रिएट लागुछि ये वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। बाकी एही क्वेश्चन रे मुटे कन्फर्म होई पारुनी। ऑप्शन नंबर बी मते राइट भलिया लागुछि। बाकी जदि के कन्फर्म एही क्वेश्चन रो आंसर जानिछ मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणाइबो। देन क्वेश्चन नंबर 48। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन ए चैट मैसेंजर, बी सोशल नेटवर्किंग साइट, सी ट्यूटोरियल साइट एंड ऑप्शन डी चैट रूम। तो निम्नलिखित इंटरनेट रो सेक्शन मानक मध्यरु केउटा होची मोस्ट वायरल साइट बोली आमको क्वेश्चन करिछि एमानक मध्यरु होबो ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग साइट होची समस्तंकुर वायरल सेक्शन इंटरनेट रो। ऑप्शन नंबर बी होबो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49। मेनी सोशल मीडिया साइट एंड सर्विसेस प्रोवाइड डेक्स फॉर लेजिटिमेट अकाउंट वेरिफिकेशन। ऑप्शन ए रेटिना स्कैनिंग, बी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, सी कैप्चा एंड ऑप्शन डी टू स्टेप वेरिफिकेशन। से कौन कही विभिन्न प्रकार जो सोशल मीडिया साइट अच्छी
से माने लेजिटिमेट अकाउंट वेरिफिकेशन पई कोन नहीं थांती तो टू स्टेप वेरिफिकेशन करी थांती। कैप्चा तो साधारण भाव में उपर दे दे थाए सेटा को आमे फॉलो करू सेटा को कैप्चा कह जाय थाए तो कैप्चा नहीं यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी टू स्टेप वेरिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 50 बा आजर लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ गुड डिजिटल सिटीजन। आमे मानक मध्यरु कहा को गोटे गुड डिजिटल सिटीजन बोली कहि परबा समवन हु रिकग्नाइज दैट देयर आर राइट एंड रेस्पोंसिबिलिटीज असोसिएटेड विथ यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर इनफर्मेशन टेक्नोलोजी। एटा तो पूरा जना पड़ुछि जे रिकग्नाइज करि परथु से कोन जे आमर राइट अछि रेस्पोंसिबिलिटी अछि असोसिएटेड विथ द इंटरनेट एंड अदर इनफर्मेशन टेक्नोलोजी ताहा को आमे कोन कहि पा गुटे गुड डिजिटल सिटीजन कहि परबा ऑप्शन नंबर ए हेबो हर राइट आंसर। देन आम भिडियोटी केमिति लागिला आमको निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबे। टिके क्वेश्चनटा आमर आउ गोटे जगार मु आनी से ठीक भाव में देखा जाऊना से क्षमा करेंगे बाकी एमती आहरी बहुत क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा आम क्वेश्चन किपर लगला आमको कमेंट रे निश्चय जनइबे। आउ शेष पर्यंत वीडियो टी देखिथिबारु धन्यवाद।